से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए सर। वो आईआरएफसी के लिए पूछना था सर। बताओ, सवाल बताओ सर। आईआरएफसी है मेरे पास 7160 शेयर, 148.75 पे। तो क्या करना है इसमें? तो प्रॉफिट हो रहा है आपको, निकलना चाहते हैं क्या? नहीं, रखना चाहता हूँ, लेकिन इधर उधर सुन सुन के ऐसा महसूस होता है कि निकल जाऊँ या रहते हैं। ओके गाबा सर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। प्रॉफिट में है लेकिन सुन सुन के या इधर उधर की बातों से मार्केट देख के ऐसा लगता है कि निकल जाऊँ क्या? मन का कह रहा हो ठीक है। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया लगता है। ये करीब 5 महीने का कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन भी होना जरूरी था, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद अब 200 पे जा रहा है। अब 200 एक साइकोलॉजिकल रेस्ट वहां से आया नीचे, लेकिन इस चार्ट में कहीं पर भी मुझे वीकनेस नजर नहीं आती। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। इट्स अ होल्ड। मुरारी जी होल्ड करिए इसको। और कोई सवाल आपका? नहीं, बस इतना ही था। इसको होल्ड कितना तक होल्ड रख सकता हूँ, मतलब साल भर, 2 साल मैक्सिमम पॉइंट पता लग गया तो? काबा सर कितने समय तक होल्ड करना है? ट्रेलिंग स्टॉप लगा दीजिए 15 रुपए का। जैसे ऊपर 15 रुपए जाता है तो 15 रुपए बढ़ाते रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप काफी डीप है 15 रुपए। एक दिन आप निकल जाओगे, तब तक कंटिन्यू द राइड एंड एंजॉय द राइड। 15 मतलब 176 से कम 15? हाँ जी, 160। 160 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए मुरारी जी। जब तक वो नहीं टूटता तब तक आप ऊपर बने रहिए इसमें। ये आपके लिए टाइम फ्रेम है, तो IRFC में बने रहने की सलाह। अगला सवाल है राजेश का, सूरत समय।